अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टेस्टी लाइव। आज हम बना रहे हैं टिंडे की सब्जी। बहुत ही मज़ेदार होती है और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया ताकि मैं इसमें टिंडे फ्राई कर सकूँ। यहाँ 1 kg मैंने इसमें टिंडे ले लिए और इसको अच्छे से फ्राई कर दिया। आप इस टिंडों में कमी बेशी कर सकते हैं, ज़्यादा लेना चाहें ज़्यादा, कम लेना चाहें कम। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इससे टिंडों की खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है और खाने में बहुत ही लजीज बन जाते हैं ये। ये अगर आपको लगे कि हल्का हल्का झाग है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये टिंडों का अपना पानी भी होता है और तेल भी, उस वजह से ये झाग हैं। इसको आपने फ्राई करके गोल्डन कर लेना है और इसको अलग बर्तन में मैंने निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप दही का डालूंगी और 1 चम्मच कसूरी मेथी ले ली, जिसको मैंने अच्छे से हाथ पे रगड़ कर डाल दूंगी। अब इसमें 1 चम्मच देगी लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया, जितना आपने कमी बेशी नमक लेना हो। मैंने ज़्यादा नमक नहीं डाला क्योंकि मैं इसके मिक्सचर में भी नमक डालूंगी, और इसे 15 मिनट के लिए मैं ढककर रख दूंगी। अब मैंने अलग से 1/4 कप तेल ले लिया ग्रेवी के लिए। उसमें मैं 2 लौंग डालूंगी, 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया, 1 तेज़पात डाल दिया, 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया और इसे भून लूँगी। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चें या आपके पास लाल मिर्चें हों वो काट कर इसे लंबा लंबा स्लाइस में काट के डाल दें और इसे फ्राई कर लें। अब मैंने यहाँ पे 4 से 5 प्याज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सचर में भी पीस के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बारीक चॉप कर लिया है और इसको मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। और इसकी एक ट्रिक मैं आपको देती हूँ, अगर आपने जल्दी से इसमें फ्राई करना है तो आप इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड कर दें, जिससे ये जल्दी गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर 4 टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी, बगैर पानी के आपने इसे पीस लेना है। अब आप इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे, देगी लाल मिर्च 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और थोड़ी सी लाल मिर्चें। अगर आप चाहते हैं इसमें लाल मिर्चें ऐड करना तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें ऐड कर ली हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। अब इसे मैं 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर दूंगी कि इसका तेल ऊपर आ जाए। मेरे यहाँ 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अब तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। मैं इसे अच्छे से और हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ये देखें, ये अपना इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। जब आपका तेल ऊपर आ जाए तो आपके जो मैरिनेटेड टिंडे थे वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे 1 ग्लास। दस मिनट के लिए इसे अब हम कवर करके रख देंगे। लीजिए मज़ेदार से आपके टिंडे तैयार हैं। हरा धनिया डालें और मज़े से खाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।